6 अगस्त 1945 हिरोशिमा। एक सुबह जैसे हर दिन की तरह ही शुरू हुई थी। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे और जिंदगी बिल्कुल आम दिन की तरह चल रही थी। लेकिन ये सुबह बिल्कुल भी आम नहीं थी, क्योंकि कुछ ही घंटों में हिरोशिमा को एक ऐसी तबाही का सामना करना था जो दुनिया ने कभी भी नहीं देखी थी। आज हम बात करने वाले हैं 1945 में कैसे 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ने वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म कर जापान के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये कहानी है द ए बॉम्बिंग्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी की। इस कहानी को समझने के लिए हमें जरा वक्त को थोड़ा पीछे ले जाना पड़ेगा। ये वक्त था दूसरे विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 2 का, जब पूरी दुनिया 2 मेजर हिस्सों में डिवाइड हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी। एक तरफ थी एक्सेस पावर्स जिसमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे और दूसरी तरफ द एलाइज जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और चाइना जैसे देश थे। अप्रैल 1945 के बाद हिटलर का जर्मनी हार मान चुका था, जिसमें हिटलर ने खुद सुसाइड कर लिया था और उसी के साथ इटली भी एलाइज के सामने घुटने टेक चुका था और एक तरह से पूरी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी थी। लेकिन अब भी एक बड़ा खतरा बाकी था, जापान। पैसिफिक रीजन में जापान ने अमेरिका को काफी मुश्किल वक्त दिया था, जिसमें खासकर जब उन्होंने दिसंबर 7, 1941 को पर्ल हार्बर पर एक सरप्राइज अटैक किया जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी और इसी वजह से अमेरिका को जबरदस्ती वर्ल्ड वॉर 2 में घुसना पड़ा था। जंग अब अपने अंतिम दौर में थी। जापान हार रहा था लेकिन वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था। अगर जापान को सरेंडर करना था तो होम आइलैंड्स पे इन्वेड करना जरूरी था, जिसमें अमेरिका के लाखों सोल्जर्स की मौत होती। और जापान की मिलिट्री स्ट्रेटजी में एक चीज बहुत ही प्रोमिनेंट थी, बहुत ही बड़ी थी, कि वो कभी भी सरेंडर नहीं करने वाले थे। अपनी जान दे देंगे लेकिन वो कभी सरेंडर नहीं करेंगे और इसीलिए अमेरिका के लिए जरूरी था कि वो कुछ ऐसा करे कि जापान मजबूर हो जाए, अपने घुटने टेक दे। वो मजबूर होके एटम बॉम्ब के पीछे का साइंस काफी कॉम्प्लेक्स था। 1942 में अमेरिका ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत कई बड़े साइंटिस्ट ने मिलकर इस हथियार को डेवलप किया था, जिसमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एनरिको फर्मी और लियो ज़ेलर जैसे साइंटिस्ट शामिल थे। इस हथियार की रेस साल 1939 में शुरू हुई जब अल्बर्ट आइंस्टाइन और ज़ेलर ने मिलकर यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि नाजी जर्मनी भी न्यूक्लियर बॉम्ब पर काम कर रही है। ये लेटर एक कैटलिस्ट बना जिसने अमेरिका को मैनहट्टन प्रोजेक्ट स्टार्ट करने पर मजबूर किया था। एटम बॉम्ब को बनाने के लिए एक शहर के स्केल का साइंटिफिक एफर्ट किया गया था। लॉस एलमोस न्यू मेक्सिको में एक सीक्रेट लेबोरेटरी बनाई गई जिसमें एक पूरा का पूरा शहर ही इस चीज को बनाने के लिए बना दिया गया था, जहां दुनिया के टॉप फिजिसिस्ट्स ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया था। बॉम्ब को बनाने के लिए प्लूटोनियम और यूरेनियम का यूज किया गया और ये फिजल मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना और फिर उनका कंट्रोल्ड रेडिएशन कराना काफी ज्यादा मुश्किल था दोस्तों। जिसमें इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने में दुनिया के कुछ सबसे इंटेलिजेंट और इन्फ्लुएंशियल लोग शामिल थे, जैसे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर इसके लीडर थे, इसे लीड कर रहे थे, और जनरल लेस्ली ग्रोव्स एक तरह से इस पूरे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के हेड थे, जिसमें मिलिट्री साइड के ऑपरेशन को संभाल रहे थे। जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट अपने फाइनल स्टेजेस में था तो जुलाई 16, 1945 को न्यू मेक्सिको के डेजर्ट में एक टेस्ट किया गया जिसका कोड नेम था ट्रिनिटी टेस्ट। ये पहली बार था जब दुनिया ने एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन देखा। ये टेस्ट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा और इसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्बिंग का प्लान फाइनलाइज किया गया था। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी को टारगेट इसीलिए चुना क्योंकि दोनों ही जैपनीज सिटीज अपने आप में बहुत ज्यादा मिलिट्री इंपॉर्टेंस रखती थी। हिरोशिमा एक इंडस्ट्रियल सिटी थी जहां मिलिट्री सप्लाईज और इक्विपमेंट बनाए जाते थे। हिरोशिमा तक पहले के एयर रेड ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे, इसीलिए यहां बॉम्बिंग का असर पूरी तरह दिखा सकते थे। नागासाकी को थोड़ा बाद में टारगेट किया गया था लेकिन वहां भी काफी मिलिट्री फैक्ट्रीज और शिपयार्ड्स थे जो जापान के वॉर एफर्ट्स के लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल थे। इन दोनों शहर को चुनने का एक और बड़ा रीजन था कि इन पर बॉम्ब गिरने के बाद साइकोलॉजिकल यानी कि मानसिक दबाव बहुत ज्यादा पड़ेगा जो कि पूरे के पूरे जापान को हिला देगा। दो अलग अलग न्यूक्लियर बॉम्ब्स को डिजाइन किया गया था, एक यूरेनियम 235 का बॉम्ब और एक प्लूटोनियम 239 का। यूरेनियम 235 का जो बॉम्ब बना उसका नाम था लिटिल बॉय और प्लूटोनियम 239 का बॉम्ब था उसका नाम था फैट मैन। लिटिल बॉय को ड्रॉप करने के लिए स्पेशली मॉडिफाइड B-29 सुपर फोर्ट्रेस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया जिसका नाम था इनोला गे, जिसे कर्नल पॉल टिबेट्स उड़ा रहे थे। फैट मैन के लिए भी एक अलग तरह के एयरक्राफ्ट को असाइन किया गया था। 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 पर इनोला गे हिरोशिमा के ऊपर से उड़ा और वहां मौजूद सभी लोगों ने उस प्लेन को देखा जिसमें उसने एक छोटी सी चीज गिराई और वो छोटी सी चीज और कुछ नहीं थी, वो छोटी सी चीज थी लिटिल बॉय। और जो हिरोशिमा के लोगों के साथ होने वाला था उसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। जब ये बॉम्ब हिरोशिमा के 600 मीटर ऊपर ब्लास्ट हुआ तो एक अनइमेजिनेबल ना सोची हुई डिस्ट्रक्शन हुई। हिरोशिमा का हर कोना तबाह हो गया। एक पल में 70,000 से ज्यादा लोग मार दिए गए। जो लोग तुरंत ही नहीं मरे उनका हाल और भी बुरा हुआ, जिसमें रेडिएशन पॉइजनिंग उन्हें धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ाने लगी थी। हिरोशिमा पर अटैक के बाद भी जापान ने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक अनफॉर्चुनेट घटना है, एक बहुत ही बुरी घटना है, लेकिन वो अभी भी युद्ध नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका को एक और सिग्नल देना जरूरी था, नहीं तो इस बॉम्बिंग का कोई असर नहीं पड़ता। और इसी वजह से इतना ज्यादा नुकसान करने के बाद भी अमेरिका रुका नहीं। हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराए जाने के सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब नागासाकी पर गिरा दिया। इस बॉम्ब का नाम था फैट मैन, जो कि आपको साइज से लग रहा है कि जी हाँ ये बड़ा बॉम्ब था, लेकिन क्योंकि नागासाकी हिरोशिमा के कंपैरिजन में थोड़ा माउंटेनियस था, वहां पहाड़
ज्यादा थे और छोटा भी था, तो इसलिए वहां पे नुकसान कम हुआ। लेकिन नुकसान की क्या आप बात करें, नुकसान के मामले में वहां भी एक सेकंड के अंदर अंदर 40,000 से ज्यादा लोग तुरंत ही मारे गए थे। दूसरी तरफ कई हजार लोग वहां भी रेडिएशन पॉइजनिंग का शिकार बने। फैटमैन को नागासाकी पर गिराने का फैसला भी अमेरिका ने इसीलिए लिया था क्योंकि जापान अभी भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था। और इस दूसरी नागासाकी बॉम्बिंग के बाद जापान का नवे सरेंडर एटीट्यूड पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब सभी को ये डर था कि अगर सरेंडर नहीं किया गया तो अगला टारगेट टोक्यो या फिर क्योटो जैसे शहर बन सकते हैं। अगस्त 15, 1945 को जापान के एम्परर हिरोहितो ने फाइनली एक रेडियो ब्रॉडकास्ट के थ्रू अपने देश के लोगों को कहा कि वो अलाइड फोर्सेस के सामने सरेंडर कर रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं। ये ब्रॉडकास्ट इतिहास में ज्यूएल वॉइस ब्रॉडकास्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फॉर्मली 2 सितंबर 1945 को एक सेरेमनी में जापान ने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया और ये दूसरे विश्व युद्ध का एक ऑफिशियल अंत हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराने का फैसला अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन ने लिया था, जो कि अपने आप में काफी पागल इंसान था, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो अपने आप को सोचता था कि लड़ भी खुद वही रहा है और देश को गवर्न भी खुद वही कर रहा है, जो कि आपको पता है कि कैसे होते हैं लोग, एक तरह से वो अपने आप में हिटलर जैसा था। उस वक्त के लिए ये फैसला काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल था, लेकिन आने वाले समय में ट्रूमैन का ये कहना था कि इस फैसले की वजह से लाखों जिंदगियां बची और अमेरिकन और जैपनीज दोनों ही लाखों जिंदगियां बची थी। लेकिन युद्ध को खत्म करना अपने आप में भले चाहे जितना जरूरी हो, लेकिन इतना बड़ा ब्लास्ट करना किसी भी चीज की जस्टिफिकेशन नहीं है। ट्रूमैन के साथ साथ जनरल लेस्ली ग्रोव्स और साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने भी मैनहट्टन प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचाया। ओपनहाइमर ने इस ब्लास्ट के बाद कहा था, बॉम्बिंग के बाद जो तबाही हुई थी उसका असल इम्पैक्ट सिर्फ एक्सप्लोजन से नहीं था। रेडिएशन जो इस ब्लास्ट के बाद छोड़ा गया वो हजारों लोगों की जिंदगियां धीरे धीरे खत्म कर रहा था। हिरोशिमा और नागासाकी में कई लोग ब्लास्ट के तुरंत बाद मर गए, लेकिन जो बचे रहे उनको रेडिएशन पॉइजनिंग का शिकार होना पड़ा। कैंसर, बर्थ डिफेक्ट और ज्यादा उम्र तक हेल्थ कॉम्प्लिकेशन का सामना उन लोगों को करना पड़ा। जो ब्लास्ट तक जिंदा रहे थे उनके बाद भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई। माना जाता है कि बॉम्ब ब्लास्ट के तुरंत बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और आने वाले 30 सालों में 2 लाख से ज्यादा लोगों की और मौत हुई। सोचिए 10 किलो के 2 बॉम्ब से मिलकर 3.5 लाख लोगों से ज्यादा की जान ली। हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने के बाद दुनिया एक नए दौर में एंटर हुई, जिसे कहते हैं द न्यूक्लियर एज। ये पहला मौका था जब इंसानियत ने इस लेवल के हथियार इस्तेमाल किए थे जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते थे, पूरी दुनिया को हिला कर रख सकते थे। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गई और हर देश अपने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए एक छोटी सी रेस में दौड़ने लगा। न्यूक्लियर बॉम्ब के आविष्कार ने दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही एक याद दिलाने वाली मिसाल बन गई कि युद्ध में किस हद तक नुकसान किया जा सकता है और इंसानियत किस लेवल तक गिर सकती है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के कई साइंटिस्ट ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराने के बाद अपने काम पर बहुत ज्यादा पछतावा किया। खासकर जे रॉबर्ट ओपनहाइमर अपने आप में काफी ज्यादा सटिया गए थे, पागल जैसे हो गए थे जब उनके ऊपर बॉम्ब गिराए गए थे। उनका कहना था कि वो बॉम्ब एक तरह से डेटरेंस के लिए यूज किए जाने थे, डराने के लिए यूज किए जाने थे, ना कि गिराने के लिए। और इसीलिए मैं कह भी रहा हूँ कि हैरी ट्रूमैन थोड़ा पागल जैसा इंसान था। उन्होंने हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराने के बाद कहा था कि हमें पता था कि दुनिया एक जैसी नहीं रहेगी। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे, पर ज्यादातर लोग यहाँ पे शांत थे। उनका ये पछतावा था कि उन्होंने एक ऐसा हथियार का निर्माण किया है जो दुनिया के लिए एक बुरा सपना बन गया है, जो चाहे कि दुनिया को खत्म भी कर सकता है। कई दूसरे साइंटिस्ट ने भी पोस्ट वॉर पीरियड में एटॉमिक एनर्जी को एक शांति के लिए इस्तेमाल करने की एडवोकेसी की, उसके लिए वकालत की, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी का दर्द उन लोगों के जहन में हमेशा के लिए जिंदा रह गया। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद दुनिया न्यूक्लियर वेपन्स के असर को समझने लगी। ये तबाही इतनी जबरदस्त थी कि यूनाइटेड नेशंस ने 1946 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया, जिसका मकसद था न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल इस्तेमाल और न्यूक्लियर वेपन्स की फ्लीट को और बढ़ाए जाने से रोकना। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू कर दी, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी का एक्सपीरियंस हमेशा एक वार्निंग के रूप में रहा कि अगर कभी भी न्यूक्लियर वॉर शुरू की गई तो उसका क्या होगा। कई इंटरनेशनल ट्रीटीज भी साइन की गई जिसके तहत कोई भी देश खुद अब आगे जाके न्यूक्लियर वेपन टेस्ट नहीं कर सकता, ना ही अपनी फ्लीट को बढ़ा सकता है। और दोस्तों यही थी कहानी हिरोशिमा और नागासाकी के न्यूक्लियर बॉम्बिंग्स की। अब इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी किसी और भी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।